Okay, so hello friends. So in the last lecture we have started with Maths 1 ka chapter, that is mathematical logic, and we have completed question number 1 and 2 of exercise 1.1, right? So last question jo humne kiya tha, question number 2 ka, usme thoda maine galti ki hai, wo bas aapko bata deta hu. Wo jo tha na, angle is neither acute nor obtuse, right? To yahan pe humne aur likha tha, yahan pe aur nahi aayega, and aayega. ये मैंने गलती किया था, बाद में मुझे रियलाइज हुआ यहाँ पे एंड आना चाहिए था. ओके, ये बस करेक्शन कर दो. ओके ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट truth values of the following statements. Okay, so first question, 4 is odd or 1 is prime. Dekho, 4 is odd or 1 is prime, ye aapko compound statement diya, right? And you have to find the truth value of this statement. To bhi kaise karna hai, dekho पहले तो आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज एंड और उस हिसाब से हम लोग करेंगे ना. ओके ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है, देखो एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा सॉल्यूशन कैसे रहेगा. देखो लेट पी क्या रहेगा, 4 इज ऑड. ओके देन क्यू स्टेटमेंट, 1 इज प्राइम. बराबर, ये दो स्टेटमेंट है. अभी दोनों के बीच में कि जो कनेक्ट यूज किया है दैट इज और, सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा पी और की. यहां तक ठीक है, ये भी दो मार्क के क्वेश्चन है, कैसे लिखना है देखो. ये हो गया, अभी मुझे बताओ ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी. अभी पी जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, 4 इज ऑड, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, क्या 4 ऑड है, नहीं है ना, 4 इज इवन. तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा. आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को. एंड दैट ऑफ क्यू इज, अभी देखो क्यू स्टेटमेंट क्या आपका, 1 इज प्राइम. क्या 1 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 1 नहीं है, ये पता होना चाहिए आप लोग को, राइट. अगेन उसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा. सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ आपका जो कंपाउंड स्टेटमेंट है पी और क्यू क्या रहेगा, ट्रूथ वैल्यू पी का वैल्यू क्या है, फॉल्स. इसका भी वैल्यू क्या है, फॉल्स. एफ और एफ क्या आ जाएगा, फॉल्स. बराबर, सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज एफ. देखो और है ना, और मैं आपको बोला था एफ एफ एफ, बाकी सब क्या होते हैं, ट्रू होते हैं. दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट और दोनों सेकेंड स्टेटमेंट दोनों फॉल्स है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका जो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू. समझ में आ गया सब लोग को, ऐसे आपको लिखना है स्टेप वाइज, तो ही आपको दो मार्क्स मिलेगा. अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखा तो आपको शायद कोई मार्क्स कट हो सकता है. ओके, ऐसे फॉर्म में आपको लिखना है. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, बाकी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर दें, मैं सॉल्व करके नहीं देगा आपको, आपको खुद से लिखना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है परफेक्ट स्क्वायर ना, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, टी रहेगा. 46 इज अ प्राइम नंबर, क्या 46 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा. बराबर, तो टी फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू, एफ सेकेंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू, एंड आया. बराबर, तो टी एंड एफ क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, बिकॉज टी 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 होता है, बाकी सब एफ होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एफ. मतलब देखो ना, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका ट्रू, बराबर, सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है. बराबर, एंड है ना, तो टी एफ. अभी एंड के लिए आपको लिख के दिया टी टी टी, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो रहेगा उसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या आएगा, टी आएगा, अदरवाइज एफ आएगा.
बराबर, तो टी एंड एफ है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग। ओके नेक्स्ट थर्ड वन, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। अभी 5 प्राइम नंबर है, ये सब लोग को पता है इसका ट्रूथ वैल्यू टी रहेगा, एंड 7 डिवाइड्स 94, तो क्या हम लोग 94 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखो आप लोग एंड बीच में आपको समझ में आ जाएगा। ओके देन इट इज नॉट ट्रू दैट 5-3 इज अ रियल नंबर। अगेन देखो अभी यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स नहीं है आपके, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? इट इज नॉट ट्रू दैट 5-3 इज ए रियल नंबर। अभी 5-3 रियल नंबर है क्या? कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इसका इट इज नॉट ट्रू दैट 5-3 इज अ रियल नंबर। मतलब 5-3 ए रियल नंबर है, ट्रू नहीं है, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? टी रहेगा। समझ में आ गया? ओके ये आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3x5 इज इक्वल टू 8 देन 3+5 इज इक्वल टू 15। अगेन दो स्टेटमेंट है, 3x5 इज इक्वल टू 8 एक स्टेटमेंट है एंड 3+5 इज इक्वल टू 15 एक स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट 3x5 क्या है? इज इक्वल टू 8, क्या ट्रू है? 3x5 ज्ञान हो चाहिए 15, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? एफ रहेगा। बराबर सेकेंड स्टेटमेंट 3+5 इज इक्वल टू 15, अगेन 3+5 8 होना चाहिए, उन्होंने 15 दिया, मतलब अगेन इसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। बराबर लेकिन इफ देने मतलब एफ और एफ रहेगा। बराबर अभी इसका आपको ट्रूथ वैल्यू निकालना है। अभी इफ देन के लिए आपको बोला है टी एफ एफ, मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू होगा एफ, अदरवाइज ट्रू होगा। तो एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ का आंसर आ जाएगा ट्रू। समझ में आ गया? पक्का? आई होप समझ में आ रहा है आपको। टी एफ एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी, तो इसका ट्रूथ वैल्यू होगा टी। समझ में आ गया? नेक्स्ट मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू, अगेन ये भी आप लोग कर सकते हो। देन 7, 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर, ये भी आप लोग को आना चाहिए। ओके देन क्वेश्चन नंबर 4, इफ स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड आर एस आर फॉल्स स्टेटमेंट्स देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अभी एक क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप लोग कर सकते हो, इजी क्वेश्चन से आप लोग को आ जाएगा। ओके सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो, पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट्स है, उनका ट्रूथ वैल्यू है टी, इट इज ट्रू, एंड आर एंड एस ये दो स्टेटमेंट्स है, उनका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, दैट इज एफ। बराबर तो आपको नीचे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए इन सिंबॉलिक फॉर्म, उसका आपको ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। बराबर तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आप लोग कर दो होमवर्क है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कर देते। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो डायरेक्टली, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, पहले वाले क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, इजी क्वेश्चन से आपको करना ही पड़ेगा, आना चाहिए आपको। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर और क्यू एंड आर और पी एंड आर। ओके ये आपको स्टेटमेंट दिया है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू एंड आर और क्यू एंड आर और पी एंड आर, ठीक है ध्यान दो, एकदम इजी रहता है, इसमें कुछ डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। देखो अभी निगेशन पी है, अभी पी का ट्रूथ वैल्यू टी है, ट्रू है, तो उसका निगेशन क्या होगा? एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको एफ, ये समझा सब लोग को? निगेशन पी, पी का ट्रूथ वैल्यू तो टी है लेकिन उसका नॉट, मतलब निगेशन, ट्रू का निगेशन क्या होगा? फॉल्स, दैट इज एफ। एंड एज इट इज अगेन निगेशन क्यू, तो अगेन क्यू का ट्रूथ वैल्यू टी है तो उसका निगेशन आ जाएगा एफ, एंड आर का ट्रूथ वैल्यू क्या दिया उन्होंने? एफ दिया। यहां तक क्लियर है? और
क्यू एंड आर, क्यू का ट्रूथ वैल्यू इज टी, आर का ट्रूथ वैल्यू इज एफ, तो टी एंड एफ, और पी का ट्रूथ वैल्यू इज टी एंड आर का ट्रूथ वैल्यू इज एफ। क्लियर है? एकदम इजी है, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा मतलब स्टार्टिंग में क्वेश्चन इतना बड़ा, इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालना, एकदम इजी है। देखो अभी यहाँ पे अभी हम लोग को तो पता है, पहले हम लोग ब्रैकेट ही सॉल्व कर देते, तो एफ एंड अभी एफ एंड एफ अभी एंड है राइट, तो एंड के लिए आपको क्या बोला मैंने, टी 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 मतलब पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट टी होगा ट्रू, टू ही कंपोज स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज सब क्या हो जाएंगे आपके फॉल्स हो जाएंगे, तो एफ एंड एफ आंसर क्या होगा, एफ ही होगा बराबर। देन और टी एंड एफ अगेन एंड है, टी 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 बाकी सब है, तो टी एंड एफ भी क्या होगा, एफ ही होगा, और टी एंड एफ भी अगेन क्या होगा, एफ ही होगा बराबर। अभी एफ एंड एफ अगेन एफ होगा, एफ और अगेन एफ और एफ अगेन क्या होगा, एफ ही होगा बराबर। सो एफ और एफ आंसर इज एफ, तो इस पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया, एफ दैट इज फॉल्स। इजी है, अरे टाइम पास क्वेश्चन आएंगे, आ जाएंगे आपको एग्जाम में भी फटाक से सॉल्व हो जाते हैं, एकदम मतलब इजी चैप्टर है। ओके ठीक है, सो ये गया क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन कर दो यार, आप लोग आ जाएगा आपको इजी क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन नंबर एट कर देते, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग इजी चैप्टर्स के लिए, बिकॉज आगे जाके थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स भी है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर एट आपको दिया है, निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड आर और एस इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, डबल इम्प्लीकेशन पी एंड आर। ओके अगेन चलो सॉल्व कर देते, निगेशन तो एज इट इज रहेगा, निगेशन पी, पी का ट्रूथ वैल्यू टू है तो उसका ट्रू है तो उसका निगेशन आ जाएगा फॉल्स, एंड आर का ट्रूथ वैल्यू इज एफ, और एस का ट्रूथ वैल्यू पी क्या अगेन एफ है, इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, क्यू का ट्रूथ वैल्यू है टी, तो क्यू का निगेशन आ जाएगा टी, सॉरी एफ आ जाएगा बराबर, निगेशन क्यू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा बराबर। डबल इम्प्लीकेशन P एंड R, P का ट्रूथ वैल्यू इज T एंड R का ट्रूथ वैल्यू इज F बराबर, या तो ठीक है, ठीक है तो कर दो आगे सॉल्व। निगेशन ऑफ F एंड F, एंड तो F ही आएगा, और F इम्प्लीकेशन F, अभी इम्प्लीकेशन में आपको बोला था T F F, बाकी सब T, तो T F F है क्या, T F होता तो F आता था राइट, नहीं है मतलब ट्रू आएगा, तो यहाँ पे होगा आपका T, इसका वैल्यू मैं बात करूं। ओके अगेन डबल इम्प्लीकेशन टी एंड एफ, अगेन एंड है मतलब टी 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 आना चाहिए, बाकी सब एफ, तो इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा एफ। क्लियर है सब लोग को? वो आपको जो ट्रूथ टेबल लिख के दिया था ना, पांच टेबल, वो आपको आ गया ना, तो ये क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं है, थोड़ा रिवाइज कर दो तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन निगेशन ऑफ एफ और टी, अभी और है, और में क्या होता है एफ 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 होता है, बाकी सब क्या होता है ट्रू होता है बराबर, तो इसका आंसर क्या होगा, टी होगा, डबल इम्प्लीकेशन एफ राइट, याद कर देता हूं अभी। अभी निगेशन ऑफ टी, टी का निगेशन क्या होगा, एफ होगा बराबर, सो एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ, तो अभी एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ, डबल इम्प्लीकेशन के लिए आपको क्या बोला था मैंने, टी 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 एंड एफ एफ टी, दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे आपका टी आएगा, देखो यहाँ पे एफ है एफ है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी। इजी? ओके सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर एट, इजी है, थोड़ा समझ के ले लो, और आपको अगर ट्रूथ टेबल ध्यान में रहेगा तो एक क्वेश्चन कुछ नहीं है, चिंदी क्वेश्चन है। ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर एट, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर फाइव इज राइट निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग. अभी निगेशंस तो आपको पता है ट्रू होगा तो उसको उसका क्या होता है फॉल्स होता है. सिमिलरली यहाँ पे अभी क्वेश्चन दिया आपको, आपको बता देता हूँ ऑलरेडी, आप लोग घर पे लिख सकते हो. राइट निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश. अभी इसका निगेशन क्या होगा, नॉट ना, मतलब तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश हो गया. कुछ भी आपको सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना. क्वेश्चन क्या है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, बराबर. इसका निगेशन आपको क्या लिखना है, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, खत्म. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, थ्री इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 18 इक्वल टू जीरो. इसका निगेशन क्या आएगा, थ्री इज रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 18 इज इक्वेशन. देन क्वेश्चन नंबर टू, रूट टू इज अ रैशनल नंबर. लिख सकते हो अगेन, इसका आंसर क्या होगा, रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर. देन पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज अ पेंटागॉन, तो इसका निगेशन क्या होगा, पॉलीगॉन ए बी सी डी इज नॉट अ पेंटागॉन, लिख सकते हो. एंड लास्ट फिफ्थ वन, सेवन प्लस थ्री ग्रेटर देन फाइव. अभी क्वेश्चन क्या है, सेवन प्लस थ्री ग्रेटर देन फाइव, तो इसका निगेशन आइदर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, नॉट ग्रेटर देन फाइव लिख सकते हो, और सेवन प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव लिख सकते हो. दोनों आंसर राइट है. ग्रेटर नहीं मतलब लेस देन, नहीं तो इक्वल टू होगा ना, ए लिखो नहीं तो ए लिखो, दोनों आंसर सेम है निगेशन लिखने के. समझ में आ गया, ठीक है. सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 1.1. नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.2. जल्दी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. अभी देखो उसके पहले, अभी तक हम लोगों ने जो स्टेटमेंट सब लिखा था सिंबोलिक फॉर्म में, पी एंड क्यू, पी और क्यू, इंप्लीकेशन आर एस है, तो ये जो स्टेटमेंट्स है इसको बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न. इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न, बराबर. एंड सपोज इसका ट्रूथ वैल्यू और इसका ट्रूथ वैल्यू सेम आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉजिकल इक्विवेलेंस. हम लोग बाद में देखते हैं जब क्वेश्चन आएगा तो, या तो ठीक है, ठीक है. सो अभी एक्सरसाइज 1.2 हम लोग लिखने स्टार्ट करेंगे. कुछ नया नहीं, नया नहीं करना है उसमें आपको, बस आपको ट्रूथ टेबल आना चाहिए, बस अभी बड़े बड़े ट्रूथ टेबल रहेंगे उसमें, ठीक है. सो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन नंबर वन देखो, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न. आपको एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, उसका आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, बराबर. जैसे हम लोगों ने आपको एंड और के लिए हम लोगों ने ट्रूथ टेबल बनाया था ना, वैसे यहाँ पे आपको बनाना है. कैसे बनाना है आपको बता देता हूँ, इजी है. सो क्वेश्चन नंबर वन का हम लोग सेकेंड सॉल्व कर देते हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दिया है पी एंड निगेशन क्यू डबल इम्प्लीकेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू, बराबर. अभी ध्यान दो यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाना कैसे है, ओके. अगर वो आपको समझ में आ गया तो मतलब अगेन ये सब इंडिकेशन है, ओके. ध्यान दो यार, अभी यहाँ पे एक्चुअल में स्टेटमेंट कितने हैं, बेसिक स्टेटमेंट्स जिनका जिनको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं. दो स्टेटमेंट है ना आपके पास, एक पी और दूसरा क्यू. ये निगेशन की है तो क्यू का मतलब निगेशन है, लेकिन एक्चुअल बेसिक स्टेटमेंट कितने आपके पास, दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, बराबर. तो आपको मैंने उस दिन बोला था अगर दो स्टेटमेंट है तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, देखो. पी एंड क्यू आपके दो स्टेटमेंट्स, बराबर. ध्यान दो यहाँ पे कैसे निकला है, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो बस हो गया, मतलब ये भी दो तीन मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं. देखो पी क्यू दो स्टेटमेंट्स है तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है आपको बोला था, कैसे बोला था मैंने आपको, टी टी एफ एफ. ये ध्यान में रखो, मतलब वो पैटर्न बना दे मत बेटो, दो बार टी दो बार एफ और यहाँ पे अल्टरनेट टी एफ
यहाँ तक हो गया, ये तो बेसिक था बराबर। अभी आपको एक पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाना है, तो कैसे बनाना है देखो। पहले तो आपको निगेशन क्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो फाइंड आउट कर दो निगेशन क्यू। अभी निगेशन क्यू कैसे आएगा देखो, क्यू है, क्यू का ट्रुथ वैल्यू टी है, तो इसका निगेशन क्या होगा, एफ होगा। क्यू क्यू का कॉलम देखो, क्यू क्यू का निगेशन लोग निकाल दे, देन एफ है तो उसका निगेशन होगा ट्रू, टी है तो उसका निगेशन होगा एफ, एफ होगा तो उसका निगेशन होगा टी। यहां तक ठीक है। अभी क्या करना है आपको, हर एक ब्रैकेट का ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो अभी ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 जो किया था, उसमें आपको डायरेक्टली पी का क्यू का डायरेक्टली उन्होंने वैल्यू असाइन किया था ट्रू है फॉल्स है। लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं पी स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि फॉल्स है, इसलिए आपको इस सब पॉसिबिलिटीज आपको लेकर ट्रूथ टेबल बनाना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी आपको ये ब्रैकेट का वैल्यू निकालना है, ये क्या है, पी एंड निगेशन क्यू। देखो एंड है, एंड के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंड के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, टी टी टी। अगर फर्स्ट दो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू भी रहेगा टी। तो पी एंड निगेशन क्यू, ये आपका पी है, निगेशन क्यू आपका यहाँ पे, टी एफ क्या आने वाला है, एफ ना, बिकॉज अगर दोनों टी होंगे तो ही टी आएगा, अदरवाइज एफ होगा। देन पी निगेशन क्यू टी टी, आंसर क्या होगा, टी होगा। देन एफ एंड एफ, आंसर क्या होगा, एफ एफ टी, आंसर क्या होगा, इजी। बस आपको क्या है, ट्रूथ टेबल हम लोगों ने आप लोग को लिख ही दिया था, आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये ब्रैकेट हो गया, अभी ये ब्रैकेट आपको निकालना पड़ेगा, सो पी इम्प्लीकेशन क्यू। अभी पी इम्प्लीकेशन क्यू, अभी इम्प्लीकेशन के लिए आपको बोला था टी एफ एफ, मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट का वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। सो पी इम्प्लीकेशन क्यू, सो टी टी क्या होगा, टी होगा ना, बिकॉज टी एफ होगा तो एफ होगा, देन टी एफ क्या होगा, एफ होगा, देन एफ टी क्या होगा, टी होगा, देन एफ एफ भी क्या होगा, टी होगा, ओनली टी एफ एफ होगा, बिकॉज टी एफ एफ होगा। समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। तो अभी आपका ये फाइनल स्टेटमेंट है, सो पी एंड निगेशन क्यू, डबल इम्प्लीकेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू। तो अभी देखो पी एंड निगेशन क्यू का वैल्यू आ गया, पी इम्प्लीकेशन क्यू का वैल्यू आ गया बराबर। सॉरी, इन दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन है। अभी डबल इम्प्लीकेशन है, तो डबल इम्प्लीकेशन के लिए आपको क्या लिख के दिया है, टी 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 एंड एफ एफ टी बराबर, ठीक है। देखो एफ टी क्या होगा, एफ होगा, टी एफ अगेन एफ होगा, एफ टी क्या होगा, एफ होगा, एफ टी भी क्या होगा, एफ होगा। अगर दोनों सेम है तो ही टी आएगा, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, विच इज फॉर 2 मार्क्स। इजी है, इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दो, कॉल करके मुझे बता सकते हो, लेकिन इसमें कुछ डाउट नहीं आना चाहिए, इजी क्वेश्चन से। ओके, ये हो गया ट्रुथ टेबल फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ओके ठीक है, सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर देते, इजी क्वेश्चन है, समझ के दे दो, जो डिफिकल्ट नहीं है इसमें से, बस आपको एक एक्सरसाइज थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, बस अभी कुछ नहीं, बाकी सब चैप्टर इजी है, बाकी सब एक्सरसाइज इजी है, सॉरी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर देते। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 आपको निकालना है, निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 निकालते हैं, 7 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन आर, डबल इम्प्लीकेशन P and Q implication R,
बराबर है, ठीक करने में बराबर है, तो p इंप्लीकेशन q इंप्लीकेशन r डबल इंप्लीकेशन p एंड q इंप्लीकेशन r, ठीक है। अगेन अभी यहाँ पे स्टेटमेंट्स कितने हैं, कितने स्टेटमेंट्स, p q r, तीन स्टेटमेंट्स है बराबर। तो अभी तीन स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है ध्यान दो यार, तीन स्टेटमेंट है आपके p q एंड r, तो आपको ऐसे एट रोज बनाने हैं, ध्यान में रखो कितने रोज बनाने हैं, एट रोज बनाने हैं, वन टू ठीक है, एट रोज बना दिए। अभी दो स्टेटमेंट होते तो आपको चार ही पॉसिबिलिटी आ रहा था, अभी तीन स्टेटमेंट तो आठ पॉसिबिलिटी आता है। अभी इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाया है देखो, p के लिए आपको लिखना है चार बार t लिखना है, फोर टाइम्स t, देन फोर टाइम्स f, राइट। q के लिए आपको टू टाइम्स t, टू टाइम्स f, अगेन टू टाइम्स t, टू टाइम्स तक, यहां तक ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को, ओके। एंड आर के लिए आपको अल्टरनेट लिखना है, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, समझ में आ गया। पी के लिए फोर टाइम्स टी फोर टाइम्स एफ, क्यू के लिए टू टाइम्स टी टू टाइम्स एफ, अगेन टू टाइम्स टी टू टाइम्स एफ, एंड फॉर आर टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, तीन स्टेटमेंट ही आएंगे, तीन के आगे नहीं आएगा कभी भी आपको स्टेटमेंट, ओके ठीक है। तो अभी इसका ट्रुथ टेबल बनाना है बराबर, तो पहले तो आपको Q इम्प्लीकेशन R बनाना पड़ेगा, सो Q इम्प्लीकेशन R, ओके सो इम्प्लीकेशन है, और देन आपको क्लिक होना चाहिए टी एफ सॉरी इम्प्लीकेशन है, तो क्या आता है टी एफ F, इतना तो ध्यान में रहना ही चाहिए आपको बराबर। इम्प्लीकेशन है Q एंड R का, किसका Q एंड R का, T F F, तो T T होगा T, T F होगा F, F T भी होगा T, F F होगा T, T T होगा T, T F होगा F, F T होगा T एंड F F भी होगा T, बस दो F आ रहे हैं क्योंकि T F F होता है, सो T F F एंड यहाँ पे T F F, बाकी सब T, क्लियर है सब लोग को। अभी आपको फाइंड आउट करना है P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R, देखते हैं। अभी P आपका यहाँ पे, Q इम्प्लीकेशन R यहाँ पे, अगेन फिर से इम्प्लीकेशन मतलब TFF आना चाहिए, ये आपका P है, पहला P है राइट, बाद में क्यों इम्प्लीकेशन, सो पहला P देखना है, बाद में क्यों इम्प्लीकेशन है देखना है, सो T T क्या होगा, T T F, F होगा T T, T होगा T T, T होगा F T, T होगा F F भी अगेन, T होगा F T भी T होगा एंड F T भी अगेन, T होगा ओनली T F F, बस खत्म बराबर। इसको मैं नंबर ले रहा हूँ बिकॉज आगे जाके तो सब नहीं आएगा बोलते, ओके नेक्स्ट। अभी इसके लिए सॉल्व करना है तो पहले आपको P एंड Q फाइंड आउट करना पड़ेगा बराबर, तो P एंड Q, अभी एंड है बराबर, एंड के लिए क्या होता है T T T, बाकी सब F, तो एंड है बराबर, तो देखो P एंड Q में एंड है तो T T T T T T T F F T F, F होगा F T अगेन, F E होगा F T P, F होगा F F B, F होगा F F B, F होगा, आपको पता है एंड के लिए क्या होता है T T T, तो T T T T T T, बाकी सब F I, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी P एंड Q,
इंप्लीकेशन आर। बराबर, देखो अभी पी एन क्यू इंप्लीकेशन आर, पी एन क्यू आपका क्या यहाँ पे, यहाँ पे इंप्लीकेशन आर यहाँ पे, मतलब इंप्लीकेशन है मतलब अगेन आपको टी एफ एफ देखना है, ठीक है। तो देखो टी एफ एफ पहला क्या है आपका, पी एन क्यू है, तो पहले आपको पी एन क्यू का वैल्यू देखना है, बाद में आर का वैल्यू देखना है, उल्टा नहीं करना है, आर एन बाद में पी एन क्यू नहीं, पहले आपको पी एन क्यू देखना है बाद में आर देखना है। सो पी एन क्यू टी टी क्या होगा, ये होगा टी एफ एफ होगा, देन एफ टी ये होगा एफ एफ, अगेन एफ होगा एफ टी, सॉरी सॉरी टी एफ एफ होगा एफ टी टी होगा, एफ एफ बी क्या होगा टी होगा, एफ टी बी टी होगा, एफ एफ बी टी होगा, एफ टी बी टी होगा, एफ एफ बी टी होगा, ओनली टी एफ एफ होगा। यहां तक क्लियर है, ये हो गया, इसको मैं नाम दे रहा हूं कॉलम टू। बराबर, अभी इसका एंड इसका डबल इंप्लीकेशन, मतलब वन का एंड टू का डबल इंप्लीकेशन, तो वन डबल इंप्लीकेशन टू। अभी ये वन एंड टू मैंने यहाँ पे जगह नहीं, इसमें मैंने ऐसे लिखा है, आपको भी पूरा स्टेटमेंट लिखना है यहाँ, ओके ठीक है। तो अभी डबल इंप्लीकेशन है तो सब लोग को पता है टी 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 एंड एफ एफ एफ, बराबर ठीक है। तो देखो टी 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 होगा, एफ एफ अगेन टी होगा, टी टी 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 अगेन टी होगा। बराबर, ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। अगेन ये तीन मार्क के लिए आ सकता है, थोड़ा लेंदी है ना, तीन मार्क के लिए आ सकता है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को, एकदम इजी क्वेश्चन है, समझ के ले लो, इसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके ठीक है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर सेवन। सो नाउ ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। सो क्वेश्चन नंबर वन के आप लोग अभी बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर, सॉरी क्वेश्चन नंबर एट है, सॉरी सेवन नहीं है, एट है, ओके। सो सिमिलरली अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर वन के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू, अभी क्वेश्चन नंबर टू बाद में करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो पहले। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है देखो, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। अबे टॉटोलॉजी मतलब क्या, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या, एंड कंटिंजेंसी मतलब क्या। बराबर, अभी देखो इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये आपको स्टेटमेंट दिया है, बराबर ध्यान दो यहां पे, इसका ट्रुथ टेबल मुझे उन्होंने बनाने के लिए बोल दिया, मैंने बना दिया। बराबर, अभी आगे बोल रहे हैं वो लोग, चेक वेदर स्टेटमेंट आपका टॉटोलॉजी है या कॉन्ट्रेडिक्शन है। या कंटिंजेंसी। बराबर, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ट्रुथ टेबल बना दिया, तो आपको क्या करना है अभी, ये पूरा स्टेटमेंट जो है सॉरी इसका लास्ट का टेबल देखना है आपको। बराबर, ट्रुथ टेबल पूरा आ गया ना। अभी सपोज लास्ट टेबल में सब वैल्यूज टी 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 आ रहा है, टी 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 आ रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट के हम लोग बोलेंगे टॉटोलॉजी। मतलब लास्ट कॉलम जो है आपका उसमें सब वैल्यूज ट्रू आ रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट के हम लोग क्या बोलेंगे, टॉटोलॉजी। समझ में आ गया। अभी सपोज सब वैल्यूज मेरा एफ 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 आ रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आ रहा है ना, इजी है, मतलब टॉटोलॉजी मतलब ट्रू से, मतलब सब ट्रू रहेंगे तो टॉटोलॉजी, सब फॉल्स रहेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन। एंड सपोज मिक्स आ रहा है, टी एफ आ रहा है, अगेन टी आ गया, ऐसा टी एंड एफ ऐसे सब मिक्स आ रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस। समझ में आ गया सब लोग को, अगर लास्ट कॉलम में सब वैल्यूज ट्रू है तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे टॉटोलॉजी।
सब स्टेटमेंट्स फॉल्स है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। एंड सब स्टेटमेंट्स अगर मतलब सब वैल्यूज जो है वो मिक्स है, मतलब ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूस। आई होप क्लियर हो गया सब लोग को। सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका, सेम तो है, ट्रूथ टेबल बनाना है और लास्ट का कॉलम देखना है क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अगेन फॉर होमवर्क, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, सो देयरफॉर फ्रॉम द लास्ट कॉलम वी कैन से दैट गिवन स्टेटमेंट इज ए कौन सा स्टेटमेंट होगा, टॉटोलॉजी। बस बाकी कुछ नहीं है, अगेन ये 3 मार्क के क्वेश्चन है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। ओके सो नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देते हैं, देन वी विल स्टॉप। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज थोड़ा फास्ट हो रहा होगा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, आपको आइए आने चाहिए, हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके तो डिफिकल्ट होगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट मतलब टाइम स्पेंड करेगा आपको समझ में आने के लिए, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव दैट फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, मतलब आपको दो स्टेटमेंट्स है वो इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का चलो 6 सॉल्व कर देते। ओके तो सिक्स स्टेटमेंट देखो, सिक्स स्टेटमेंट पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड आर इक्विवेलेंस टू पी इम्प्लीकेशन क्यू पी इम्प्लीकेशन आर, बराबर। अगेन कितने स्टेटमेंट्स है, 3 स्टेटमेंट्स है, तो फिर से आपको पी क्यू आर बनाना पड़ेगा। ठीक है चलो मेरा से बनाएगा पी हो गया, देन उसके बाद क्यू देन आ। ओके ठीक है चलो बना लेते हैं। तो अगेन 3 स्टेटमेंट है, तो आपको बताया मैंने कैसे लिखना है ट्रूथ टेबल। सो 4 times P 4 times F देन क्यू के लिए 2 times T 2 times F 2 times T 2 times F देन आर के लिए T F T F T F T F, ये आपको ठीक से करना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पे सिली मिस्टेक्स कर देते हो, मतलब क्वेश्चंस है इजी लेकिन आप लोग का सिली मिस्टेक्स बहुत होता है इसे टाइप के क्वेश्चन। ओके ठीक है, तो पहला आपको स्टेटमेंट दिया ये वाला राइट, तो इसके लिए पहले ट्रुथ टेबल बना देते हैं, देन इसके लिए बना दे, देन इसका और इसका लास्ट कॉलम जो रहेगा वो क्या इक्वल आना चाहिए, बराबर। ठीक है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा क्यू एंड आर, ठीक है चलो निकाल देते, क्यू एंड आर एंड है, तो अभी मैं रिपीट नहीं करेगा बार बार, अभी आपको क्लिक होना चाहिए एंड है मतलब टी 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 बाकी सब एफ, तो टी 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 होगा टी एफ एफ होगा एफ टी एफ होगा एफ 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 होगा टी 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 होगा टी एफ 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 टी एफ 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 एफ। आई होप समझ में आ गया सब लोग। ओके ये आ गया क्यू एंड आर टी 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 बाकी सब एफ, अभी आपको ये लिखना है दैट इज पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड आर, अगेन इम्प्लीकेशन है, तो इम्प्लीकेशन के लिए क्या होता है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब टी एफ एफ, बराबर ना, इम्प्लीकेशन मतलब टी एफ एफ, टी को देखो पी एंड पी
इम्प्लीकेशन क्यू एंड एफ, तो टी टी क्या होगा, टी होगा टी एफ, एफ होगा टी एफ, अगेन एफ होगा टी एफ, अगेन एफ होगा एफ टी, टी होगा एफ एफ टी, एफ एफ टी, एफ एफ टी, ओनली टी एफ एफ, टी एफ एफ एंड टी एफ एफ, ये हो गया पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड आर, यहां तक ठीक है। तो अभी ये हो गया एक स्टेटमेंट। अभी कभी कभी क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट होते हैं बहुत बड़े होते हैं ना, तो आपको दो टेबल बना के सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एक टेबल में आ जाएंगे, तो मैं एक ही टेबल में ड्रॉ करूँ। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट अभी इसके लिए ये हो गया कॉलम वन जो स्टेटमेंट है, देन अभी मुझे फाइनल करना है पी इम्प्लीकेशन क्यू, इसके बाद मुझे फाइनल करना पड़ेगा पी इम्प्लीकेशन आर, बराबर ठीक है। अगेन पी इम्प्लीकेशन क्यू, इम्प्लीकेशन है मतलब अगेन टी एफ एफ, पी एंड क्यू में, पी एंड क्यू, तो टी टी क्या होगा, ये होगा टी टी, अगेन टी, टी एफ, एफ होगा टी एफ, एफ होगा एफ टी टी, एफ टी टी, एफ एफ टी, एफ एफ टी, बराबर ऑन दी टी एफ एफ, टी एफ एफ, बराबर पी इम्प्लीकेशन क्यू हो गया। अभी पी इम्प्लीकेशन आर, अगेन सेम टी एफ एफ, तो टी 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 एफ एफ टी 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 एफ एफ, अगेन एफ टी टी, एफ एफ टी, एफ टी टी एंड एफ एफ टी, ये समझ में आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट अभी इन दोनों का एंड, सो पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड पी इम्प्लीकेशन आर। अभी पी इम्प्लीकेशन क्यू ये वाला है, पी इम्प्लीकेशन आर है, एंड एंड में क्या होता है टी टी टी, बाकी सब एफ, तो टी 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 एफ टी एफ 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 टी एफ 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 अगेन एफ टी 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 टी। तो अभी आप देख सकते हो आपको ये दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंस है कि नहीं प्रूव करा, मतलब इक्वल है कि नहीं, तो हम लोग कॉलम वन एंड कॉलम टू से देख सकते हैं, देखो सेम है, देखो कॉलम वन टी टी एफ 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 टी 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 टी, हम लिख सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम कॉलम वन एंड टू ये दो स्टेटमेंट क्या रहेंगे आपके, सो पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड आर इक्विवेलेंस टू पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड पी इम्प्लीकेशन आर, हो गया अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन, इजी है, कुछ अलग करना ही नहीं आपको, टू टेबल तो बनाना है और आपको दो स्टेटमेंट इक्वल लेके नहीं प्रूव करना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 1.2, आज बहुत सारा होमवर्क है आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको एक क्लियर होते जाएगा, बाकी कुछ नहीं, मैं क्या मुझे सब क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, लेकिन इसमें कुछ मतलब नहीं है, आपको जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा है, बिकॉज आपको अगर दिमाग में बैठ गया ना आप लोग मतलब पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे, इतना ईजी है, और आपको अगर आप आगे जाके भी किधर ना किधर ये यूज होगा। ओके सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 1.2। ओके सो देखो कल कोई कोई लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करो, कल फिर से टेस्ट है सैटरडे को, तो फिर से पढ़ाई करो एंड अगेन टेस्ट। ओके थैंक यू।